A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain antonym set 15, questions from 1 to 25. And all the questions have been taken from R.S. Agarwal's Objective General English. For your kind information, I would like to tell you that most of the vocabs have been completely taught by me on my YouTube channel, Dipu Sudhan Sir. So if you are new to the channel, must visit, must check other playlists and watch all the videos. All videos are very important, whether be it vocab, be it grammar or any other. All videos are very, very important. So, without killing your time, let's get started. And question number one is, we have no doubt about the veracity of the statement. Veracity ka arth hota hai satyata. Satyata yani truth, fullness. Satyata ke liye synonym truthfulness, veracity ka synonym truthfulness hoga. Morality, naitikta, ye sabhi abstract noun hai, ant mein ty liye hue hain. Falsity, mithyapan, mithyapan. प्रॉपर्टी, औचित्य और मर्यादा. ट्रूथफुलनेस यहां लिखा हुआ है. ट्रूथफुलनेस मीन्स सत्यता. हमें वेरासिटी का एंटोनिम देना है. ट्रूथफुलनेस तो सिनोनिम है, तो हमें देना होगा फाल्सिटी. एंड प्रॉपर्टी के सिनोनिम के रूप में हम डिकोरम का यूज करते हैं. डिकोरम और प्रॉपर्टी ये सिनोनिम होते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, गुड एक्शंस कैन नॉट कम आउट फ्लेज वंस बैड क्वालिटीज. किसी के अवगुणों को उसके अच्छे कर्म ढक नहीं सकते हैं. कम आउट फ्लेज, छद्म भेष बनाना, यानी खुद को छिपाने के लिए एक आवरण ऐसा बना लेना जो वास्तविकता को ढक दे. तो कैमोफ्लेज मीन्स ढकना या छद्म भेष बनाना या धारण करना. एग्जिबिट, प्रदर्शित करना. डेमोन्स्ट्रेट, प्रदर्शन करना. एंड डेमोन्स्ट्रेट का दूसरा मीनिंग संकेत करना. ये सभी वर्ब हैं. रिवील, खुलासा करना, पर्दाफाश करना. एक्सपोज, डिस्क्लोज सिनोनिम होता है. और परेड, परेड को आप परेड कहें. तो शब्द है कैमोफ्लेज, ढक लेना. अब एग्जिबिट भी प्रदर्शित है, रिवील भी खुलासा करना है, सामने लाना है, लेकिन आंसर होगा रिवील. क्यों? क्योंकि एग्जिबिट करना मतलब ऐसी चीज जो लोगों के सामने है परंतु बहुत के सामने ला देना, प्रदर्शनी वगैरह लगा करके. रिवील करना यानी उस चीज को सामने ला देना जो छिपी हुई है, जो ढकी हुई है, किसी और रूप में जानी जाती है और उसकी वास्तविकता कुछ अलग है, भंडाफोड़ कर देना. तो इसलिए रिवील होगा टू का आंसर सी. क्वेश्चन नंबर थ्री, हिज फैमिली हैज अक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर द ईयर्स. धन संचय करने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए
मतलब नैतिक तरीके से धन एकत्रित करने के लिए एक्यूमुलेट का यूज किया जाता है। वर्ब है एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मीन्स संचय करना। इकट्ठा करना धन के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। दूसरा यूज भी है ट्रेंड, खाली होना, जैसे कोई स्टॉक आप कर दिए, अब उसमें से निकाल रहे हैं तो वह ड्रेन हो रहा है। इसका सिनोनिम डिप्लीट होता है और इसका एंटोनिम रिप्लीट या रिस्टोर होता है। फाइंडर बर्बाद करना, मैं अर्थ भीवन का लिख रहा हूँ, बर्बाद करना। अमैस एकत्रित करना, इसमें हम धन एकत्रित करने में अमैस का यूज भी करते हैं, लेकिन यह तरीका गलत भी हो सकता है। बहुत जल्द बहुत अधिक धन को इकट्ठा कर लेना, वहां हम अमैस का यूज करते हैं। जिस पर तितर बितर करना, लोगों को, लोग एक जगह एकत्रित हो, उन्हें तितर बितर करने में डिस्पर्स का यूज करते हैं। और स्कैटर इसका सिनोनिम होता है, वस्तुओं को तितर बितर करने के लिए हम स्कैटर का यूज करते हैं। अब सोचने वाली बात है, अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो एक्यूमुलेटेड के एंटोनिम के रूप में ट्रेंड भी हो सकता है, स्क्वैंडर्ड भी हो सकता है, डिस्पर्स्ड भी हो सकता है, लेकिन धन संचय करना और धन को बर्बाद करना, तो धन को बर्बाद करने के लिए पर्टिकुलर वर्ड होता है स्क्वैंडर। वेस्ट मतलब भी बर्बाद करना होता है, उसका इस्तेमाल हम टाइम के लिए भी करते हैं और धन के लिए भी करते हैं, लेकिन स्क्वैंडर का प्रयोग केवल धन बर्बाद करने में करते हैं, इसलिए आंसर 3 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, देयर वॉज अ मार्जिनल इंक्रीज इन हिज पे। मार्जिनल मामूली, बहुत ही कम, ना के बराबर, उसके वेतन में ना के बराबर वृद्धि हुई थी, अनफोर्सीन। जिसका पूर्वानुमान न किया गया हो वह अनफोर्सीन होता है। नेग्लिजिबल सिनोनिम हो जाएगा, नेग्लिजिबल सिनोनिम हो जाएगा, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, और पेरिफेरल परिधीय यानी किनारे का। तो मार्जिनल मीन्स होता है ना के बराबर, हाशिए पर, बहुत ही कम, यानी इसका एंटोनिम हो जाएगा सिग्निफिकेंट। का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टोनिक सर्व्स टू वाइटलाइज योर हेयर्स। वाइटल शब्द है, एडजेक्टिव का काम करता है। वाइटल को जब हम वर्ब में बदलते हैं वाइटलाइज हो जाता है। यह टेक्निक भी आप सीखें, जिन शब्दों के अंत में ए एल हो उनमें आप आई एस ई जोड़ देंगे तो वे ब्रिटिश इंग्लिश हो जाएंगे, आई जेड ई जोड़ देंगे अमेरिकन इंग्लिश हो जाएंगे, और दोनों ही वर्ब होंगे। जैसे वाइटलाइज एस ई से लिखें तब भी और जेड ई से लिखें तब भी दोनों वर्ब का काम करेंगे। तो वाइटलाइज मीन्स होता है मजबूत बनाना। वाइटलाइज का अर्थ होता है मजबूत बनाना, और वाइटलाइज मीन्स होता है प्राणवान बनाना। वाइटलाइज का अर्थ महत्वपूर्ण बनाना भी होता है। शॉर्टन छोटा करना, एब्रीज इसका सिनोनिम होगा।
इनफिबल कमजोर बनाना और एक टेक्निक सीखें, किसी भी शब्द के पहले या बाद में en लगा हो तो वह निश्चित तौर पर वर्ब होगा, कमजोर बनाना, जैसे इनफिबल फिबल से बना, लार्ज से इनलार्ज बनेगा, कोड से इनकोड बनेगा, बहुत सारे शब्द हैं, फास्ट से फासन बनेगा, हार्ड से हार्डन बनेगा, सॉफ्ट से सॉफ्टन बनेगा, वाइड से वाइडन बनेगा, रिप्रेस दमन करना, दबाना, मसल देना, और क्लैमर जोर जोर से मांग करना, चिल्लाकर मांग करना, क्लैमर शब्द है। वाइटलाइज, इसका हमें एंटोनिम बताना है, तो एन फिबल होगा फाइव का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आई लाइक्ड द पोम फॉर इट्स लिटरल मीनिंग, मैं इस पोम को इसके शाब्दिक अर्थ के कारण पसंद करता था। लिटरल मीन्स होता है शाब्दिक, लिटरल का मीनिंग अक्षरशः ही होता है, कॉम्प्लेक्स जटिल, इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड सिनोनिम होता है, फिगुरेटिव अलंकारिक, अलंकारिक डीप गहरा प्रोफाउंड इसका सिनोनिम होगा, शैलो एंटोनिम होगा, फिक्टिशस काल्पनिक, इमेजिनरी इसका सिनोनिम होगा, रियल एंटोनिम होगा। तो लिटरल मीनिंग और फिगुरेटिव मीनिंग, एक अर्थ शब्द का होता है और एक अर्थ अलंकारिक होता है, तो शाब्दिक का अपोजिट होता है अलंकारिक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन, द लीडर वॉज प्रैग्मेटिक इन हिज अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स फेसिंग द कंट्री, लीडर अपने अप्रोच में प्रैग्मेटिक थे उन समस्याओं के प्रति जिन्हें देश फेस कर रहा था, यानी जिनका सामना देश कर रहा था। प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल इन डीलिंग, वह जो डीलिंग में प्रैक्टिकल हो, वह जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखता हो, जिसकी सोच प्रैक्टिकेबिलिटी में अधिक विश्वास करे, उसे हम कहते हैं प्रैग्मेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, वह जो किसी चीज के ब्राइट साइड को देखता है उसे ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी। इनडेफिनिट, अनिश्चित और वेग, अस्पष्ट, क्लियर इसका एंटोनिम होगा। तो प्रैग्मेटिक का हमें एंटोनिम देना है तो हम आइडियलिस्टिक देंगे। जो आइडियलिस्टिक लोग होते हैं वो एक सिद्धांत पर चलते हैं, अपने आदर्श पर चलते हैं। प्रैग्मेटिक लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बिलीव करते हैं, सिद्धांत के साथ वो समझौता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, ही इज रियली एन ऑब्स्टिनेट मैन, वास्तव में वह हठी आदमी है, जिद्दी आदमी है। ऑब्स्टिनेट मीन्स हठी या जिद्दी, इसका साइनो क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएं। कॉन्सिडरेट मीन्स समझदार होता है, कॉन्सिडरेट मीन्स संवेदनशील होता है, वह व्यक्ति जो किसी के दुख से दुखी हो जाए, किसी के खुशी में खुश हो जाए, उसे कॉन्सिडरेट कहते हैं। फ्रेंडली मित्रवत,
कॉर्डियल जेनियल एमिएबल एमिकेबल अंडरस्टैंडिंग समझदारी सेंसिबिलिटी इसका सिनोनिम होगा और कंप्लायंट शब्द जो है अंग्रेजी के कंप्लाई शब्द से बना है। कंप्लाई मीन्स होता है मान लेना स्वीकार कर लेना। कंप्लाई के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन विद लगता है। इस कंप्लाई का हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो यह कंप्लायंस हो जाएगा। कंप्लायंस मीन्स होता है अनुपालन, इसके साथ भी प्रेपोजिशन विद लगता है और इसी से बनता है कंप्लायंट जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। कंप्लायंट मीन्स होता है अनुपालन करने वाला, नियम कानून शर्त इत्यादि को मान लेने वाला कंप्लायंट कहलाता है। तो वह जो हठी हो जिद्दी हो और वह जो मान ले स्वीकार कर ले तो आंसर वही होगा कंप्लायंट। मैंने पूछा कि आप ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम लिख दें, स्टबर्न होगा, रिजिड होगा, ये दोनों ऑप्शन में न हो तो अडामेंट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हिज डायबॉलिकल वेज मेड हिम अनपॉपुलर। डायबॉलिकल वेरी बैड एंड अनोइंग। वन दैट इज वेरी बैड एंड अनोइंग इज कॉल्ड डायबॉलिकल, अत्यंत बुरा और चिढ़ा देने वाला। वेरी बैड एंड अनोइंग अत्यंत बुरा इसका अर्थ होगा। मिसचीवस शरारती नौटी, लैविश खर्चीला प्रचुर विपुल, टेरेफिक अत्यंत सुंदर और प्रिय, तू मधुर दैवी क्वालिटी रखता है या डिविनिटी रहती है इसके अंदर। एज्योर मीन्स आसमानी नीला आप कह सकते हैं। तो डायबॉलिकल वेरी बैड एंड अनोइंग, तो मिसचीवस भी नेगेटिव सेंस का वर्ड है। एज्योर सोच नहीं सकते, लैविश सोचेंगे नहीं, होगा क्या सेराफिक अत्यंत सुंदर प्रिय सुमधुर। तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द सर्कमस्टेंसेस सच पेजोरेटिव कमेंट्स शुड हैव बीन अवॉइडेड। इस तरह की परिस्थितियों में पेजोरेटिव कमेंट्स को अवॉइड किया जाना चाहिए था। पेजोरेटिव मीन्स होता है आलोचनात्मक या निंदात्मक। वह कमेंट जिसमें आप किसी की आलोचना करते हैं, जो क्रिटिसिज्म से ओतप्रोत होता है, उसे हम पेजोरेटिव कहते हैं। सूदिंग शांत करने वाला, सूदिंग शांत करने वाला। पोर्टिंग खेल संबंधी। एप्रिसिएटिव प्रशंसात्मक। क्रिटिकल दयनीय महत्वपूर्ण और आलोचनात्मक। शब्द है पेजोरेटिव, आलोचनात्मक, अपमानजनक भी कह सकते हैं। हमें इसका एंटोनिम देना है तो निश्चित तौर पर हम एप्रिसिएटिव देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मैटर ऑन कूलिंग इज पुट टू सेवरल प्रैक्टिकल इश्यूज।
contraction is an act of contracting. Contract से contraction बनता है और इसका antonym expand और expansion होता है. Contract का expand हो जाएगा, contraction का expansion हो जाएगा. तो contraction means सिकुड़न, सिकुड़ जाने का काम, improvement उन्नति, ग्रोथ वृद्धि या उन्नति, एक्सपेंशन फैलाव और डिमिन्यूशन कमी. डिमिन्यूशन का सिनोनिम रिडक्शन होता है. रिडक्शन किसी चीज के आयत में, आयतन में कमी को हम कंट्रैक्शन कहते हैं और विस्तार को हम एक्सपेंशन कहते हैं. तो आंसर सी होगा. 12. ही इज अ मैन विद अ जोवियल नेचर. वह खुश मिजाज किस्म का व्यक्ति है. जोवियल नेचर है, प्रसन्न चित्त रहता है. तो जोवियल मीन्स खुश मिजाज या प्रसन्न चित्त, टॉकेटिव, बातूनी, कैरुलस इसका सिनोनिम होगा. मोरोस बदमिजाज, चिड़चिड़ा, मोनोटोनस नीरस, क्वाइट, शांत. तो जोवियल का एंटोनिम मोरोस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13. इट वाज अ वेरी ड्रियरी डे. बहुत बेकार दिन था, ड्रियरी था. ड्रियरी मीन्स शुष्क भी होता है, जहां नमी ना हो. ड्रियरी मीन्स उबाऊ होता है, इसे आप नीरस भी कह सकते हैं. ड्रैब उबाऊ या नीरस सिनोनिम हो जाएगा. ड्रैब डेंजरस, खतरनाक. अच्छा, डेंजरस का आप लोग सिनोनिम कमेंट कर दें. ब्यूटीफुल सुंदर, ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव और ब्राइट. ब्राइट चमकीला. तो इट वॉज अ वेरी ड्रियरी डे. डे बहुत ड्रियरी था, नीरस था, बेकार था. तो अच्छा होना चाहिए. ब्यूटिफुल, ब्राइट दोनों में कोई एक देना होगा तो हम ब्राइट देंगे. चमकीला, बढ़िया. अब सुंदर, चूंकि यहाँ पर फिजिकल अपियरेंस का वर्णन नहीं है, इसलिए हम ब्राइट का प्रयोग करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. द फ्लाइट वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ बैड वेदर. फ्लाइट डिलेड था, विलंबित था, लेट था, बैड वेदर के कारण, खराब मौसम के कारण. क्विकेंड डेज, रिलीज्ड, मुक्त, एक्सपेडाइटेड, तीव्र गति वाला और ट्रिगर्ड, लक्ष्य साधा हुआ. ट्रिगर मीन्स आरंभ करना भी होता है. तो शब्द है डिलेड,
डिले करना मतलब टालना, देर करना, विलंब करना, और एक्सपेडाइट द्रुत गति से कार्य करना, तीव्र गति से कार्य करना, तो डिलेड का एंटोनिम एक्सपेडाइटेड होगा। 14 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, द ब्यूटिफुल गर्ल लुक्ड सो मोरोस। थोड़ी देर पहले हम आपको मोरोस का अर्थ बताए हुए हैं। मोरोस मीन्स बदमिजाज, जिसका मिजाज कुछ गड़बड़ टाइप का हमेशा रहता हो, गुस्से में जो हो, जो प्रसन्न ना रहता हो, उसके लिए हम मोरोस का प्रयोग करते हैं। इसका एंटोनिम देना है हेल्दी है, ग्लूमी है, हैगर्ड है और चीयरफुल है। हेल्दी स्वस्थ, ग्लूमी उदास, हैगर्ड थका हुआ और चीयरफुल प्रसन्न। तो हम चीयरफुल देंगे क्योंकि मोरोस बदमिजाज होता है, चिड़चिड़ा होता है और प्रसन्न। तो 15 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द एरर इन द न्यूज़पेपर आर्टिकल इज एक्सीडेंटल। न्यूज़पेपर के लेख में आर्टिकल का प्रयोग हम अनुच्छेद के अर्थ में करते हैं, लेख के अर्थ में करते हैं, उपपद या पूर्व पद के अर्थ में करते हैं और सामान के अर्थ में भी करते हैं। यहाँ यह लेख है, न्यूज़पेपर के लेख में त्रुटि एक्सीडेंटल है यानी सामान्य तौर पर यह नहीं होता, एक्सीडेंटल है यानी अकस्मात हो जाए, कुछ एकाएक हो जाए, वह एक्सीडेंटल होता है। परमिसिबल दैट कैन बी परमिटेड, जिसे अनुमति दी जा सके वह परमिसिबल होता है, दैट कैन बी परमिटेड। यूजुअल जो हमेशा होता हो, जो सामान्य तौर पर होता रहे, कन्वेंशनल पारंपरिक, ट्रेडिशनल इसका सिनोनिम होता है, इंटेंशनल इरादतन, तो एक्सीडेंटल का एंटोनिम यूजुअल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द जनरल ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू एडवांस टू द फोर्ट। जनरल यानी सैन्य प्रमुख ने सैन्य टुकड़ी को, ट्रूप्स को आदेश दिया किले की ओर बढ़ने का। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना, एडवांस मीन्स आगे बढ़ना। इसके लिए शब्द हैं रिटायर, सेवानिवृत्त होना, सेवा मुक्त होना, रिटर्न, वापस होना, केप बचना, एल्यूड एस्च्यू इसके सिनोनिम होते हैं, रिट्रीट पीछे हटना। एब्सकॉन्ड फरार हो जाना, भाग जाना। तो सैन्य टुकड़ी के लिए आगे बढ़ने का वर्ड एडवांस होता है, पीछे हटने का रिट्रीट। इसलिए आंसर 17 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ही बॉट अ गॉडी शॉल एज अ वेडिंग गिफ्ट फॉर हर सिस्टर। अपने सिस्टर के शादी के उपहार के लिए उसने एक गॉडी शॉल खरीदा। गॉडी मीन्स होता है तरक भरक, जिस पर बहुत अधिक डिजाइंस हो, बहुत कसीदाकारी की गई हो, एम्ब्रॉयडरी जिस पर बहुत हो, तड़क भड़क गौडी, पैचुअस निर्बुद्धि, मूर्ख कह सकते हैं आप,
सौम्य सुंदर गार्निश सजाना और ऑर्नेट सजाना। गौडी का एंटोनिम सोबर होता है, सोबर में किसी तरह का तड़क भड़क नहीं होता, सौम्य होता है, सरल होता है, और गौडी तड़क भड़क। 18 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, हिज फ्रेंड्स लाइक्ड एवरीथिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट हिज फ्रुगैलिटी। उसके दोस्त उसके हर चीज को पसंद करते थे उसकी फ्रुगैलिटी के सिवाय। फ्रुगैलिटी एक्ट ऑफ बीइंग फ्रुगल यानी मितव्ययिता यानी कम खर्च करने की आदत, कंजूसीपन कह सकते हैं फ्रुगैलिटी को। शॉर्ट टेम्पर मीन्स गुस्सा होता है। एक्स्ट्रावैगेंस फिजूल खर्ची, अननेसेसरी पैसे उड़ाना। सैविनेस गंदापन। एंड पंक्चुअलिटी समयबद्धता समय निष्ठता। आवश्यक पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति फ्रुगल होता है, इसे कंजूस नहीं कहेंगे। जो इकोनॉमिकल हो यानी जरूरत से कम पैसे खर्च करके अपना काम चलाए उसे फ्रुगल या इकोनॉमिकल कहते हैं, और जो पैसे को पानी के तरह बहाए उसे एक्स्ट्रावैगेंट कहते हैं। तो फ्रुगैलिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक्स्ट्रावैगेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आर नॉलेज ऑफ द पास्ट इज स्टिल लार्जली अ मैटर ऑफ इन्फॉर्म्ड कंजेक्चर। पास्ट के बारे में हमारा ज्ञान अभी भी बृहत पैमाने पर अनुमान की एक तरह से अनुमान ही है, कंजेक्चर है, यानी हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते, यह अनुमान की ही एक बात है। केस मीन्स अनुमान होता है, पोजीशन स्थिति, सर्टेनिटी निश्चितता, और फॉर्म स्वरूप। केस कंजेक्चर ये सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम क्या होगा, सर्टेनिटी निश्चितता। कंजेक्चर है अनुमान है, सर्टेन कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू अब्रीज द एसे ही हैड रिटन। शिक्षक ने विद्यार्थी से कहा कि जिस लेख को तुम लिखे हो इसे छोटा कर दो, इसकी साइज को घटा दो। अब्रीज छोटा करना, शब्दों की संख्या कम कर देना, सेंटेंसेस कम कर देना, अब्रीज होता है। शॉर्टन इसका सिनोनिम होगा। एम्प्लीफाई बृहत रूप से व्याख्या करना यानी बहुत बड़ा बना देना, एम्प्लीफाई होता है। ध्वनि के विस्तार के लिए भी हम एम्प्लीफाई का यूज करते हैं, ध्वनि को जो दूर फेंकता है उसे एम्प्लीफायर कहते हैं। शॉर्टन सिनोनिम होगा एब्रीज का, छोटा करना। इंक्रीज बढ़ाना और बढ़ना दोनों होता है। मॉडिफाई सुधार करना, बदलाव करना। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू अब्रीज द एसे ही हैड रिटन। अब्रीज का एंटोनिम देना है। बढ़िया, एम्प्लीफाई होगा इंक्रीज की अपेक्षा। डिक्रीज का इंक्रीज होता है,
एब्रीज का एम्पलीफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 22, द मिनिस्टर वॉज एक्यूज्ड ऑफ एंडल्जिंग इन नेपोटिज्म। अब दो चीज सीखें, अक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ लगता है, इंडल्जिंग के बाद या इंडल्ज के बाद या इंडल्ज्ड के बाद हमेशा इन लगता है। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद यानी अपनों का पक्ष, भाई भतीजावाद यानी अपनों का पक्ष, इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता, किसी का पक्ष न लेना, हैट्रेड घृणा कॉन्टेम्प्ट इसका सिनोनिम होगा, कॉन्डेमनेशन निंदा, क्रिटिसिज्म निंदा, इंडिफरेंस उदासीनता, अपैथी उदासीनता। तो नेपोटिज्म का एंटोनिम देना है इम्पार्शियलिटी होगा, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हिज लिविंग स्टाइल एंड हिज कंडक्ट मेड हिम ऑपुलेंट। उसका रहने का तरीका और उसका आचरण उसे ऑपुलेंट दिखाता था। ऑपुलेंट मीन्स समृद्ध, धनाढ्य। अनेकों बार यह शब्द मैं YouTube पर बता चुका हूं। सम्पच्युअस लजीज, सम्पच्युअस का यूज खासकर फूड के लिए किया जाता है। सम्पच्युअस फूड, लजीज भोजन। ड्रूपिंग नीचे झुका हुआ, ड्रूपिंग ट्रीज पेड़ पर जब फल लगते हैं तो डालियां ड्रूप कर जाती हैं। मूछों के आकार में कुछ लोग नीचे की तरफ मूछें रखते हैं, उन्हें भी हम ड्रूपिंग मुस्टैश कहते हैं। वेल्दी धनवान, ऑपुलेंट धनवान, प्रॉस्परस वेल ऑफ रीच, इन सबका धनवान होता है। पुअर गरीब, इम्पोवरिस्ट गरीब, इनडिजेंट गरीब, डिप्राइव्ड गरीब या वंचित। 23 का आंसर बी होगा। 24, जोयज एंड टेंशंस आर इफेमेरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। खुशी और तनाव ये जीवन के क्षणिक पहलू हैं, आते जाते रहते हैं। एफेमेरल मीन्स क्षणिक, जो क्षण भर के लिए हो, जो आता जाता रहे उसे एफेमेरल कहते हैं। शॉर्ट लाइफ्ड, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी इसका सिनोनिम होता है। स्टेबल स्थिर, परमानेंट आई, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और इथिकल नीतिगत या नैतिक। इथिकल मीन्स मोरल। तो इफेमेरल क्षणिक, क्षण भर का, और परमानेंट अस्थाई जो हमेशा बना रहे वह परमानेंट होता है। तो 24 का आंसर बी होगा। 25, द थीव कॉन्फेस्ड एट द पुलिस स्टेशन दैट ही हैड स्टॉलन माई वॉच। पुलिस स्टेशन पर यह स्वीकार किया कि उसने मेरी घड़ी चुराई थी। कन्फेस कबूल करना, स्वीकार कर लेना, मान लेना अपनी गलती, अपने अपराध को स्वीकारने के लिए हम कन्फेस का यूज करते हैं। कॉन्सील छिपाना, भीवन का अर्थ लिख रहा हूं, हाइड छिपाना, कॉन्सील छिपाना, एक्सपोज और रिवील, डिस्क्लोज इसके एंटोनिम होते हैं। डिस्प्रूव अस्वीकार करना, अप्रूव न करना डिस्प्रूव होता है। डिनाइड मना कर देना, और खंडन करना,
एडमिटेड टू एडमिट स्वीकार करना। अब आप देखें किसी भी तरह के अपराध को स्वीकारने में हम कन्फेस का यूज करते हैं, मना कर देने में नहीं मैंने नहीं किया था, मैं वहां नहीं था, ये जो कांड हुआ है इसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप मना कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं तथ्य का, तो हम डिनाई का यूज करते हैं, इसलिए आंसर सी होगा। डिसप्रूव यानी अप्रूव न करना, एडमिट स्वीकारना मान लेना, कोई चीज सामान्य चीज न चाहते हुए आपकी इच्छा नहीं है कि उसे मान लें, कोई तथ्य कोई बात लेकिन आप स्वीकार लिए, तो वहां एडमिट का यूज करते हैं। और इसी के साथ 1 to 25 को मैंने एक्सप्लेन किया, जिसमें बहुत सारे शब्द मैंने आपको बताए। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स एंड फ्रेजेस कॉमन एरर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अन्य बहुत सारी चीजें फीलर्स ये मैक्सिमम कंप्लीटेड हैं इस चैनल के ऊपर और बहुत ही सुंदर किताब है यह। आप जरूर विजिट करें, जरूर देखें उन वीडियोस को और डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है। कॉमन एरर्स 1000 से भी ज़्यादा मैं बता चुका हूँ, इस किताब में जितने दिए गए हैं सभी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वहाँ से आप ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वोकैब तो हो ही रहा है, यानी सारी चीज़ें सिर्फ इस किताब से कंप्लीट की जा सकती हैं। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। गुड नाइट।